हाँ जी नागेंद्र जी, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ आप शादी के इस मौके पे आए हुए हैं और यहाँ के पनीर टिक्के और तरह तरह के जो व्यंजन बने हुए हैं इनकी आप तारीफ कर रहे हो। हाँ जी, मैं आपको खुद बताना चाह रहा हूँ कि जिस पेड़ के नीचे आप जिस जगह टेबल लगा रखी है उस पेड़ के ऊपर जो, अच्छा ये पेड़ क्या है? ये सांगरी, खेजड़ी, ये सांगरी है। अच्छा खेजड़ी का पेड़ है ये, वो सांगरी जिसका अचार हम खाते हैं। वाओ, ये हाँ सब्जी भी तो बनती है, जो बासोड़ा पे सब्जी बनती है, है ना? बासोड़ा पे सब्जी बनती है, अदरवाइज भी शादियों में समारोह में बनती रहती है। हाँ, ये यहाँ की, यहाँ का राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वृक्ष है। क्या बात है। और रेगिस्तान की एक तरीके से यूं कहते हैं कि संजीवनी है, संजीवनी रेगिस्तान की, जो बिना पानी के यही एक पेड़ है जो की सर्वाइव करता है। पानी ज्यादा मिलने से ये सांगरी जो आपके इस पेड़ पे नजर आ रही है, हाँ जी, ये नॉर्मल है। हाँ जी, इस पेड़ में पानी ज्यादा लगा है, बगल वाले पेड़ में। अच्छा, तो ये सांगरी है वो नहीं बनी है। अच्छा, तो इसमें क्या फर्क क्या है? इसमें इसमें सांगरी नहीं बनी है और इसमें सांगरी बन गई। अच्छा, क्योंकि कम पानी था इसलिए, कम पानी था इसलिए इसमें बन गई। क्या बात है, तो इसको कम ही पानी चाहिए होता है। ठीक है, इसकी जड़ के अंदर जैसे छोटी छोटी गांठें होती है, जो पतली पतली जो जड़ें होती है, जो उसके शिराएं होती है, तंतु होते हैं, उनमें गांठें होती है, उन गांठों के अंदर नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है। अच्छा। कहीं भी आप देख लीजिए कि जहाँ पे खेजड़ी लगी हुई है तो पूरे खेत में उस खेजड़ी के आसपास का एरिया जो है, जहाँ तक उसकी पत्तियाँ गिरती हैं, ऊपर से झड़ती हैं सूखने पर, तो उस एरिया के अंदर फसल आपकी बहुत बढ़िया होती है। दूसरी जगह जहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हो या और कुछ डाल रहे हो, उससे बढ़िया जो है वहाँ पे फसल होने वाली है, जहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं, जहाँ पे इसके पत्ते गिरे हुए हैं, जहाँ तक इसकी जड़ें जा रही है नाइट्रोजन की मात्रा इसकी वजह से। अच्छा, हाँ हाँ। दूसरी बात यह है कि इसको काटने की परमिशन अपने यहाँ पे नहीं है, क्योंकि राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, इसको सिर्फ छांगा जा सकता है। राज्य मतलब राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है। तो इसको काटने की परमिशन नहीं है, कोई भी नहीं काट सकता, डिपार्टमेंट भी नहीं काट सकते, सरकारी डिपार्टमेंट भी नहीं काट सकते। पर इसको छांगा जा सकता है, छांगा मतलब इसकी टहनियों, छोटी टहनियों को जलाऊ लकड़ी के रूप में काटा जा सकता है, ताकि ये अगले साल और अच्छे से और अच्छे से फैले। इसकी पत्तियों को पशु बहुत शौक से खाते हैं और उनके लिए बहुत ही भरपूर नाइट्रोजन, सॉरी इसमें न्यूट्रिशन वगैरह ये सब चीजें उसमें भरपूर होता है। सांगरी लगती है इसकी, वो सांगरी आमतौर पे जैसे गीली सांगरी अभी लगी हुई है, ये गीली सांगरी लगी हुई है, ये 100-125 रुपए किलो की रेट है। हाँ। पर यही अगर सुखा के अगर बेचा जाए तो ये 1200 से लेकर 1600 रुपए किलो तक की रेट। हाँ, है, वो तो है। मुझे भी मालूम है, हम भी ऐसे ही खरीदते हैं, 1200 रुपए किलो ही होते हैं। ये इतना वैल्यूएबल प्लांट है और इससे मतलब साल भर का खर्चा अगर किसी एक खेत के अंदर 10-20 खेजड़ी के पौधे होने, पेड़ होने बड़े आम बात है। हाँ हाँ। तो उस घर की पूरे साल का जलाने के चूल्हे में जलाने की लकड़ी की व्यवस्था उसी के खेत में हो जाती है। अच्छा, 4-5 पेड़ों से, 5-10 पेड़ों से, 15 हाँ। पेड़ों से पूरे साल की, पूरे साल के। अब बीकानेर चूंकि सोलर हब बन रहा है, जो मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा था वो मुद्दा ये है कि बीकानेर सोलर हब बन रहा है, तो यहाँ पे सैकड़ों हजारों बीघा के अंदर, मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो हजारों बीघा में है, लेकिन आने वाले बहुत कम टाइम के अंदर ये लाखों बीघा में बीकानेर में सोलर पैनल्स लगा दिए जाएंगे बिजली के उत्पादन के लिए। तो उसके चक्कर में हजारों की तादाद में और लाखों की तादाद में ये खेजड़ियाँ काटी जा रही है। ओह अच्छा, तो ये तो राज्य वृक्ष है, काटी जा रही है, प्रशासन सो रहा है, किसी को इस पे ध्यान नहीं जा रहा, कुछ गौर करना नहीं चाह रहा, ये एनवायरनमेंट के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। और अगर ये होता है तो आने वाले सालों में बीकानेर में बारिश नाम की चीज आप भूल जाइए। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, नुकसान है, लेकिन पर्यावरण प्रेमी बोल रहा है, ना सरकार चेत रही है, ना कोई भी नहीं चेत रहा, और लाखों की तादाद में लगे हुए हैं। आप गूगल पे सर्च कीजिए कि जहाँ पे पुरानी इमेज आप गूगल किसी भी खेत की देखिए, जहाँ पे आज सोलर लग गया, तो वहाँ पे पहले काफी संख्या में खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल्स है। हाँ, तो सोलर पैनल से लगने की वजह से टेम्परेचर हाई होगा और पेड़ों की कमी होने की वजह से बारिश बीकानेर में आने वाले सालों में बंद होने वाली है। कन्नो, ये कहना बारिश फिर मतलब अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर बारिश नहीं, बारिश नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र सिंह जी आपका इस जानकारी को देने के लिए। खेजड़ी के खांसी आती है ना, इसको फूक कर खांसी होती है,
वो भी इसके नीचे से चक्कर लगाते हैं तो उससे ठीक होती है। अच्छा, ये टोटका जैसे होता है? हाँ। ओहो, अच्छा। हाँ। तो ये मेरी माता श्री जानकारी दे रही है कि अगर खांसी आए और आप इस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाए नीचे, इसके नीचे से, नीचे से, तो खांसी में आराम मिलेगा, जो कि एक टोटका माना जाता है। धन्यवाद माता श्री।